हेलो एवरीवन वेलकम टू ई लर्नम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक बाय शॉर्टिंग ऑफ 15 ईयर क्वेश्चन फॉर यूनिट फाइव रिगार्डिंग सीएसआईआर यूजीसी नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन इससे पहले हमने यूनिट वन टू थ्री एंड फोर के बारे में बात करी थी जहां पर आपके काफी अच्छे रिस्पॉन्से थे सो आई थिंक यू गाइज आर मच मोर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ वीडियो दैट्स वाई वी हैव डिसाइडेड टू मेक मेकअर अपकमिंग वीडियो अप टू यूनिट थर्टीन विथ फिफ्टीन ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस तो आज से लेके यूनिट फाइव से लेके यूनिट थर्टीन तक हमारी जितनी भी वीडियोज होंगी उसमें हमने फिफ्टीन ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करा है उसके बाद यहाँ हमने आपको डेटा रिप्रेजेंट किया है फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग इज दैट बहुत से कैंडिडेट थे जिनका ये क्वेश्चन था क्या हम गेट के एग्जामिनेशन के लिए भी इस टाइप की वीडियोज लाएंगे तो डेफिनेटली यस yes. सबसे पहले हम सी एस आई आर की थर्टीन यूनिट्स को कवर करेंगे इसके बाद हम गेट एग्जामिनेशन पे स्विच करेंगे तो पहले हम गेट लाइफ साइंस की वीडियोस के बारे में बात करेंगे फिर हम गेट बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री की वीडियो जो गेट लाइफ साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर भी हम बात करेंगे और जनरल एप्टीट्यूड्स की भी वीडियोज अपलोड करेंगे तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो आप तक पहुँच पाए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में यूनिट फाइव जो है वो है आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी इसमें टोटल फाइव सेक्शन है वो सेक्शन क्या है जैसे बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट गैमिटोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट मार्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन एनिमल मार्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट एंड प्रोग्राम सेल डेट तो इस तरीके से टोटल फाइव सेक्शन है अब अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सी एस एग्जाम के बारे में बताया था मैंने उसमें ये भी बताया था जो आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाली यूनिट्स है वो आपकी अदर यूनिट्स में आती है मतलब सी एस आई एम में टोटल टू टाइप्स की यूनिट्स होती हैं पहला होती है आपकी कॉमन यूनिट एंड सेकेंड होती है अदर्स यूनिट जो तो आपकी कॉमन यूनिट है उसमें जैसे बायोकेमिस्ट्री आती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया सेल कम्युनिकेशन हो गया मोलिकुलर बायोलॉजी हो गया तो ये आपकी कॉमन यूनिट्स हैं इनको आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा वहीं पर दूसरी यूनिट्स हैं वो है अदर्स यूनिट जिसमें आपकी प्लांट फिजियोलॉजी आती है अगर आपने बॉटनी से एमएससी करा है तो आपने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा होगा यदि आपने जोलॉजी से एमएससी करा है तो आपने एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ा होगा तो वैसे ही डेवलपमेंटल बायोलॉजी अदर यूनिट्स की कैटेगरी में आती है इसको आप स्पेशल कंडीशन में ही पढ़ते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने कॉमन सिलेबस में इसको पढ़ा हो और यूनिट फाइव का यदि आप सिलेबस देखेंगे ना तो काफ़ी बास्ट है इसको बहुत याद रखना पड़ता है इसमें जीन्स के नाम होते हैं एक्सपेरिमेंटल लेआउट होते हैं तो उन चीज़ों को याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल है तो वैसे ही यहाँ पर टोटल कितने फाइव सेक्शन है हर एक सेक्शन में आपने देखा होगा कि सिक्स टू सेवन टॉपिक हैं सो तो इस तरीके से फोर्टी टू फोर्टी टॉपिक बन जाता है अब उन सारे टॉपिक्स को एक साथ पढ़ पाना रिवाइज कर पाना या रिकॉल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है उसके साथ हम कई पे जाएंगे हम जाएंगे स्मार्ट अप्रोच के साथ अब स्मार्ट अप्रोच क्या होता है स्मार्ट अप्रोच में सबसे पहले हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को सिलेक्ट करेंगे जो मोस्ट फ्रिकुवेंट टॉपिक की कैटेगरी में आते हैं अब मोस्ट फ्रिकुंट टॉपिक के बाद हम क्वेश्चन टाइप्स देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड डाइग्रामेट्रिक क्वेश्चन ठीक तो आपको अब पता होना चाहिए कि जो आपकी यूनिट फाइव है उसमें एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी आते हैं और डायग्रामेटिक भी क्वेश्चंस आते हैं तो हमें सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को टारगेट कर लेना है दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब हमने टॉपिक को आइसोलेट करा 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के बाद तो उनको हमने थ्री कैटेगरी में डिवाइड करा है पहला है आपका मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक और दूसरा है आपका लेस एंड मीडियम फ्रिक्वेंट टॉपिक मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक की कैटेगरी में मैंने यहाँ पर नाइन टॉपिक्स को रखा हुआ है इसमें फर्स्ट जो है मेमल डेवलपमेंट और मेमल डेवलपमेंट में अभी तक ट्वेंटी क्वेश्चन आए हैं ड्रोसोफिला डेवलपमेंट ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन एमसीवी डेवलपमेंट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन प्लांट डेवलपमेंट एंड एमडीओन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन सी एच डेवलपमेंट एटी क्वेश्चन सी क्वेश्चनपमेंट सिक्सटीन क्वेश्चन डेवलपमेंट क्वेश्चन बेसिक ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी ट्वेल्व क्वेश्चन कमिटमेंट एंड स्पेसिफिकेशन ट्वेल्व क्वेश्चन तो आपने देखा कि टोटल नाइन टॉपिक्स जो है वो मोस्ट फ्रिकुवेंट टॉपिक की कैटेगरी में है तो जिसमें मेमल डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए तो जैस आप प्रायोरिटी बना लीजिए कि सबसे पहले आपको अपने जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉपिक को प्रिपेयर करना है इसके बाद हमारी दूसरी कैटेगरी है वो है मीडियम एंड लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक की तो इसमें टोटल कितने सेवन टॉपिक्स है सेवन टॉपिक्स में क्या क्या आएगा आपका रीजनरेशन uh, बायोलॉजी से एट क्वेश्चन पूछे गए मार्फुजन एंड सिग्नलिंग सिक्स क्वेश्चन आई लेंस डेवलपमेंट इन बैटी फाइव क्वेश्चन माउस एंड चिक डेवलपमेंट फाइव क्वेश्चन जाइगोड क्लीविज़ फाइव क्वेश्चन डिक्टाइलो टू क्वेश्चन एंड मिसलिनियस कंसेप्ट से टू क्वेश्चन पूछे गए मिसलिनियस कंसेप्ट क्या है एक ऐसा कंसेप्ट या एक ऐसी कैटेगरी है बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोर देन टू टॉपिक्स में एक साथ फिट होते तो उनको हम मिसलिनियस कंसेप्ट की कैटेगरी में डालते हैं तो इस तरीके से देखा कि आपके जो नाइन टॉपिक हैं वो मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक थे और बाकी के आपके जो सेवन टॉपिक्स हैं वो आपके हैं मीडियम एंड लेस फ्रिक्वेंट तो इस तरीके से आपके पास टोटल सिक्सटीन टॉपिक है तो अभी आपके टोटल टॉपिक कितने थे फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव अब आपके कितने केवल सिक्सटीन ही बचे हैं तो इन सिक्सटीन टॉपिक को आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं रिवाइज़ कर सकते हैं रिकॉल कर सकते हैं आप फटाफट इन सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए और प्रिपरेशन जो है वो अपनी फ्रिकुंट टॉपिक कौन से सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं उनसे प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए इसके अलावा यदि आपके पास कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम यूनिट सिक्स मतलब प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में डिटेल बात करेंगे तो तब तक आप इन सारे टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए और प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग